गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम वर्कशीट 3 करने वाले हैं। नंबर ए, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन्स दे आर डूइंग एक्शन। ओके, सेंटेंस को पढ़ के उस नाउन को अंडरलाइन करना है जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, नंबर वन, शिवानी रीड द बुक इन वन डे। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? शिवानी काम कर रहा है। ओके, नंबर टू, भानु चेज द कैट। भानु, यहाँ पे भानु काम कर रहा है। मेघला रोट ए स्टोरी। मेघला, द मंकी एट द बनाना। मंकी, ओके। देन राहुल बॉट ए चॉकलेट। राहुल, द कैट ड्रैंक द मिल्क। द कैट, कैट मिल्क को पी रहा है। ओके, देन नंबर टू, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्किल द नाउन्स दैट आर नॉट डूइंग द एक्शन। ओके, सेंटेंस को रीड करके उस नाउन को सर्किल करना है जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहे। ओके, तो नंबर वन, हीना ड्रॉप द ग्लास। यहाँ पे ग्लास का कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी ब्रोक द पेंसिल, ब्रोकर पेंसिल। पेंसिल, अर्पण थ्रू द बॉल। हाय द बॉल। प्रतीक लॉस्ट द बैग। बैग का यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। मृदुल गेव हिज बुक अवे। द बर्ड बिल्ट ए नेस्ट। ओके, द नंबर सी, रिप्लेस दिस द वर्ड्स इन द कलर विथ ट्रू टू यूज द हिंट गिवन। यहाँ पे ट्रू टू यूज़ करके जो भी हिंट दिया गया ब्रैकेट में उसको यूज़ करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि इट वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट गो आउट। तो इट वॉज ट्रू हॉट टू गो आउट। ट्रू हॉट टू गो आउट। द पजल वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व विदाउट हेल्प। डिफिकल्ट, द पजल वॉज ट्रू डिफिकल्ट टू difficult to be solved without help. The cat is so lazy that it will not get off from its place. The cat is too lazy to get off from its place. The box was so big that it could not fit in Rohan's pocket. Big, the box was too big to fit in Rohan's pocket. Number 5, the rock was so heavy that it could not be lifted. Heavy, the rock was too heavy to be lifted. Okay, then number D, spend some time with your grandfather or grandmother or any one of your parents. Kuch time apne grandfather grandmother ke saath ya fir apne parents ke saath time nikalo. Ask them this question and write down their answer. In उनको इस क्वेश्चन के बारे में पूछो और उनको आंसर, उनसे आंसर पूछ के लिखो। यू कैन आस्क देम टू हेल्प यू राइट सम ऑफ द आंसर। आप उनको भी बोल सकते हो, हेल्प ले सकते हो कुछ आंसर लिखाने के लिए। यू कैन ऑल्सो आस्क देम सम अदर क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स इन द एक्स्ट्रा स्पेस इन गिवन। आप उनको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ के एक्स्ट्रा जो लाइन्स दिया गया उसमें आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इन विच स्कूल डू यू रीड स्टडी, यहाँ पे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो लिखना है। व्हाई डिड यू लाइक अबाउट योर स्कूल, आपको अपना स्कूल क्यों पसंद है ये आपको लिखना है। नेम टू ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच। अपने फ्रेंड्स के दो फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसको आपको खुद करना है अपने पेरेंट्स के हेल्प से, तो इसका मैं आंसर यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।